दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल का जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो रहा है और जानना चाहते हैं उसे हम कैसे ठीक करें? क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं हमारे फ़ोन का जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा ऑटोमेटिक हो रहा है उसे हम किस तरीके से सही कर सकते हैं? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और बिल्कुल नॉर्मल तरीका है सही करने का जो मैं 100% आपको सही करा के दूंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेते हैं आप कर भी लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है। लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ 100 लाइक का। आप 100 लाइक कर दीजिए तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल से आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे आप अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर आएंगे यहाँ पर आपको देख लेना है, नीचे की तरफ चलेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो ऑटो ब्राइटनेस होता है ये आपका ऑन हो सकता है, ठीक है। अब ये ऑटो ब्राइटनेस क्यों होता है, जब भी आप अंधेरे में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, ब्राइटनेस कम होना लगेगी, ठीक है, इस तरीके से। जैसे आप थोड़ा उजाला में जाएंगे यानी कि थोड़ा बहुत रोशनी अधिक होगी तो इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ती चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखो यहाँ से बंद कर देना है ये ऑटो ब्राइटनेस वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आइकन यहाँ पे कंफर्ट वाला होता है ये देखो, तो इसे आपको इस तरीके से बंद कर देना है। जब आप रात में चलाएं तो इसे आपको आइस वाला ऑन रखना होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पे करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से बाहर निकलना है, अब मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, ठीक है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से फिर से मोबाइल की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको देखना है कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं मांग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस की आपको प्रॉब्लम जो आ रही थी वो कभी भी नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यही तरीका है, इससे आप कर लिए होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके जरूर जाइए, बता के जरूर जाइए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मतलब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।